अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज भी एक्सप्लोरिंग का सिलसिला जारी है कोरिया में, और हम जा रहे हैं थेगू में, और थेगू को एक्सप्लोर करेंगे कि थेगू कैसा है। और इसके लिए जाने के लिए हमने चूज़ किया है KTX को, द फास्टेस्ट ट्रेन इन द कोरिया। तो देखते हैं कि कैसा रहेगा सफ़र, और थेगू पहुँचते पहुँचते हमें क्या क्या देखने को मिलता है। मेरे साथ हैं चौधरी अदनान, और ये पीछे फ़िलहाल बस है जो हमें स्टेशन तक लेके जाएगी, उसका वेट कर रहे हैं। जैसे रेडी होती है तो फिर चलते हैं। सो लेट्स गो। राइट नाउ वी आर एट द सुवन स्टेशन, एंड हमारी ट्रेन है तकरीबन 8:30 की, और अभी 1 घंटा रहता है। तो यहीं के मॉल के अंदर ही शॉपिंग मॉल है, सॉरी स्टेशन के अंदर ही शॉपिंग मॉल है। तो हम उसको ज़रा विज़िट कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं। वहाँ से शॉप्स बनी हुई हैं, ये मेडिकल स्टोर है, शूज़ की शॉप है, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। रिजवान साहब फ़ोन पर लगे हुए हैं। इंतज़ार काफ़ी लंबा है, तकरीबन 1 घंटा, और सोच में कि क्या करें इस 1 घंटे में। तो देखते हैं क्या होता है। यू कैन सी द टाइम के अभी टाइम रहता है 1 घंटा, 7:37, एंड हमें वेट करना होगा तकरीबन कितना 8:23 पे है। और यहीं से स्टेशन में हमने अंदर जाना है। तो सोचा फिलहाल बाहर आते हैं, देखते हैं कि सुवान क्या है और सुवान की मार्केट कैसी है। सो यहाँ वेट के लिए हमने जूस ऑर्डर किया है, एंड जूस इज रेडी। चल साहब है बस सिर्फ मुझे लेट हो गया, उनसे पूछ लेते हैं कि KTX में। सो फाइनली प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच चुके हैं, 14 नंबर, और ये हमारा टिकट पे भी ये रहा 14। राइट नाउ वेटिंग, अभी भी तकरीबन 20 मिनट रहते हैं, 20 मिनट मज़ीद वेट करना है। और ये फास्टेस्ट ट्रेन है जो हमें तकरीबन 1.25 घंटे में पहुंचा देगी, वैसे बस पे 5 घंटे लग जाते हैं। सो कैसे गुजरेगा सफ़र, किस स्पीड से जाएगी, देखते हैं। आई एम एक्साइटेड। चौधरी साहब ने पता नहीं कौन सा कोना पकड़ लिया है, जाके फ़ोन पे लगे हुए हैं। सो हमारी सबवे आ चुकी है, सॉरी KTX। कार नंबर हमारा 14 है, 16, 15, अपने अपने जाके स्टॉप पे लगेगा 14। हमने इसमें 14 में जाना है। थेगू स्टेशन कौन है थेगू, KTX में खामोशी इतनी थी कि मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ बोलूं, क्योंकि वहाँ पे कुछ बोलना, बस क्या बताऊँ, पिन ड्रॉप साइलेंट थी और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था बोलना। हमारी ट्रेन शायद दूसरी तरफ है, वो उस तरफ है, और अभी जिसने हमें रिसीव करना है उसकी कॉल भी आ रही है, तो वो पहले अटेंड करते हैं।
देखें रजी भाई फ्रॉम थेगू मुझे पिक करने के लिए आए हैं। अरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनकी गाड़ी देखी है मैंने माशाल्लाह। अभी बैठ रही है माशाल्लाह। मूवमेंट चेक करें, नीचे बैठ गई है। ये देखें जी अभी ऊपर आएगी, ऊपर आ रही है। आई थिंक इट्स अ किया। गाड़ी का पूरा जो है ना राउंड आप एक लगाएं ना। क्या मॉडिफिकेशन की है जी भाई, ऑसम। बहुत आ जाए आप अंदर से भी दिखाते हैं। अब हम अंदर बैठते भी हैं ना तो जाना भी है तो साथ साथ। ये इसमें लगा है ब्लैक बॉक्स, ये लगा है जी सीसीटीवी इसमें स्पेशल, जो आपको कैमरा भी दिखाएगा, आपको रोड डायरेक्शन हर चीज़। गाड़ी आ गया है आप लाइन चेंज करते हैं उसके लिए बेहतरीन है। ये इसका सनरूफ आ गया जी, ये लें। ये इसका मीटर लगा है, गाड़ी हमारी कितनी जो है ये मीटर बताएं जी दोस्तों को। ये मीटर जो लगा है इसका मतलब है कि गाड़ी हमारी कितनी ज़मीन से ऊपर है, जब उठाते हैं जब नीचे करते हैं तो ज़मीन पर कितनी बैठी हुई है, ये उसकी गेज है। मतलब मीटर बताता है कि आपकी गाड़ी इस टाइम इस लेवल पे जा रही है। उसके बाद हमारे भाइयों को ये सीटें बताएं, ये गेमिंग सीटें मैंने स्पेशल लगाई हैं। और ये सीटें भी जो है सारी ऑटो हैं। उसमें ये देखें ऑप्शन है एसी का, ये एसी लग गया है और आगे इसका हीटर है गाड़ी का, सीटों का भी। वैसे तो एसी हीटर है ही है गाड़ी में, ये स्पेशल सीटों के लिए भी है, सीटों के लिए भी है जी। इट्स अ किया K5, ये K5 जो है फुल्ली मॉडिफिकेशन हुई है गाड़ी हमारी, बहुत पसंद आई है मुझे। और वैसे एक रफली इस पे मॉडिफिकेशन पे आपका कितना कोई अंदाजन? नौमी भाई ये जितने की गाड़ी है उससे ज्यादा मैंने इस पे लगा दी है। शौक का कोई मोल नहीं है, शौक का कोई मोल नहीं होता। अभी आ जाए आपको इसकी बैक बताता हूँ। चले अब बैक पे आ जाए जी। ये मैं इसके लिए सिर्फ कल ये स्पीकर लेके आया था एम्पलीफायर, ये लेके आया हूँ। ये तकरीबन 8 लाख वन का पाकिस्तान, ये 2 लाख का भी बन गया। 2 लाख का तो सिर्फ ये स्पीकर है, ये लगा है साथ इसका एम्पलीफायर वगैरह लगा है। ये इसका कनेक्शन कल इंशाल्लाह करवाएंगे और उसके बाद गाड़ी में जो है ना क्लब बना लेंगे। बाकी आपने लाइटिंग, ये स्पॉइलर भी चेक कर लिया है, स्पॉइलर भी ऑसम। और इसके ये जो रिम है नोमी भाई, ये जो रिम है तकरीबन 50 से 60 लाख के सिर्फ ये रिम आते हैं। ये फिर आपने वाकई गाड़ी से ज़्यादा इस पे जो है सिर्फ रिम पे ही कह सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं उधर शॉप पे ले जाऊँ, ऐसे ऐसे रिम में है कि आपको 70 लाख वहाँ के भी ये रिम मिलेंगे सिर्फ, जितने की गाड़ी नहीं है। सिर्फ रिम जो है वो भी 70 लाख के आपको मिलेंगे। क्या गाड़ी आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, नंबर ही बड़ा प्यारा लिखा हुआ है। और ये हमने जो है ना वेलकम के लिए सब भाइयों के लिए लगाया, ये देख लें गर्लफ्रेंड का फूल। ये बड़ी स्पेशल चीज मैंने लगाई है गाड़ी में, देख लें। क्या बात, लाइटें अभी ऑफ की हुई है नीचे वाली, वो भी लगाता हूँ आप वो भी चेक कर लें। असल में वो अनलीगल है ना, ये तो अलाउ नहीं होगा डेफिनेटली। सो गाइस कैसी लगी आपको रजी भाई की गाड़ी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम निकलते हैं घर की तरफ और जाके देखते हैं फिर आगे क्या क्या है। नज़र कबाब से हम खाना खाएंगे रात का। रजी भाई अंदर गए ऑर्डर करने के लिए और मैं फिर लाल बाहर ही खड़ा रहता हूँ, म्यूजिक बहुत चल रहा है। एंड बस फिर बाकी की मामला देखते हैं कि क्या होता है, खाने में क्या है चेक करते हैं। खाना आ चुका है, खाना खाएंगे। कोला ही ठीक है, कोला खाना खाते हैं।